दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन को समझा और एग्जांपल्स की मदद से एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन की वजाहत भी की। अब एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं हम। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उनके बारे में हमने बताना है आया कि वो ट्रू हैं या फॉल्स। टाइम को बचाने के लिए यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट को ऑलरेडी लिख लिया हुआ है। सबसे पहली स्टेटमेंट है, एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज ओनली वन सोल्यूशन। एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन के मुताबिक हम देखें तो हमारे पास दो पॉसिबल इक्विवेलेंट इक्वेशंस बनती हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो और ये जो एब्सोल्यूट के अंदर है ये माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो बोथ केसेस में इधर से एक्स इज इक्वल टू जीरो निकला, यहाँ से भी एक्स इज इक्वल टू जीरो ही निकलेगा। सो इसका एक ही सोल्यूशन निकलेगा और गिवन है कि एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज ओनली वन सोल्यूशन, सो हम इसको ट्रू लिख लेंगे। नेक्स्ट है, ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू हैव टू सोल्यूशंस, के कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू हो उसकी दो सोल्यूशंस निकलते हैं। तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन ऊपर एग्जाम्पल में ही हमारे पास आ रही है, या जो पिछले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल की थी उसमें भी हमारे पास एक ही सोल्यूशन निकला था। तो ये फॉल्स होगी इस सेंस में कि ऑलवेज हैव टू सोल्यूशन। अगर दो सोल्यूशन निकल भी आए तो वन सोल्यूशन माइट बी फॉल्स या एक्सट्रेनियस रूट। सो इसका एक ही सोल्यूशन बाजुकात निकल आता है, तो हर दफा दो सोल्यूशन निकलना पॉसिबल नहीं होता, तो ये फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद नंबर थर्ड पर है, द इक्वेशन एब्सोल्यूट एक्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। तो यहाँ पर डेफिनेशन के मुताबिक लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट के जो अंदर वैल्यू होती है उसकी दो पॉसिबल वैल्यू आ सकती है, या वो पॉजिटिव हो सकती है या वो नेगेटिव हो सकती है। तो इस सेंस में ये भी फिर ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास है, द इक्वेशन एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस फोर हैज नो सोल्यूशन। ये भी ट्रू है क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव के इक्वल नहीं होती। तो एक्सप्लेनेशन में हम लिख सकते हैं, द एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव सो ट्रू लिखेंगे हम इसको, क्योंकि वो उसमें उसने कहा है कि इसका सोल्यूशन नहीं आ रहा। नेक्स्ट, इसी तरह ये इक्वेशन है, 2x-3 इज इक्वल टू 5। तो इसकी इक्विवेलेंट इक्वेशन एक तो निकलेगी 2x-3 इज इक्वल टू 5, एज इट इज वैल्यू आ जाएगी 5 के इक्वल। दूसरी उसने लिखी है 2x+3, लेकिन एक तो सही आ रही है 2x-3 इज इक्वल टू 5, लेकिन जो दूसरी आ रही है उसके साथ माइनस साइन लिखना है हमने, इसके साथ 2x-3 इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू -2x+3 इज इक्वल टू 5, लेकिन यहाँ पर 2x+3 इज इक्वल टू 5 लिखा है। सो ये जो स्टेटमेंट हमारे पास ये फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। दोस्तों, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हल करने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर इज इक्वल टू ए इफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और माइनस ए इफ ए लेस देन जीरो। यहाँ पर फिर हमारे पास, क्योंकि जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो हमारे पास दो कंडीशन बनेगी, 3x-5 इक्वल्स टू 4 और माइनस इंटू 3x-5 इज इक्वल टू 4। सॉल्व करते हैं इनको भी, हम x को आइसोलेट करते हैं, 3x-5 उस तरफ जाके 4+5, तो 3x इज इक्वल टू 9। आप डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 करते हैं, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, 3 टाइम्स 9, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि बाहर माइनस साइन है, -3x माइनस माइनस को प्लस कर देगा। यहाँ पर गलती करते हैं स्टूडेंट्स के माइनस है और यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करते और नेगेटिव साइन लिख देते हैं, लेकिन जब भी बाहर माइनस होगा ब्रैकेट्स के अंदर वाले साइन लाजमी चेंज करने हैं। इज इक्वल टू 5, 4 आ गया। अब यहाँ पर भी हमने एक्स को आइसोलेट करना है, तो जब 5 को इक्वल के उस साइड पर हम शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो -3x इज इक्वल टू -1, -3 से बोथ साइड्स हमने डिवाइड कर दिया, तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट होके एक्स की वैल्यू 1/3 निकली। ये एक्स की दो वैल्यूज निकली हैं, ये दो जो वैल्यू हमारे पास निकली है एक्स की, तो हो सकता है इनमें से कोई रूट हमारे पास एक्सट्रेनियस हो। तो सो हम चेक कर लेते हैं, बारी बारी इन दोनों एक्स की वैल्यूज को प्लग इन करते हैं इक्वेशन 1 में। तो हम पुट करते हैं यहाँ पर चेक करने के लिए,
एक्स को इन कोयन, एक्स इक्वल टू थ्री को इन कोयन वन, कोयन वन क्या बन जाएगी थ्री, जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर हम थ्री पुट करेंगे, माइनस फाइव इज इक्वल टू फोर, तो ये थ्री थ्री टाइम्स नाइन, माइनस फाइव इज इक्वल टू फोर, तो ये फोर एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू फोर, तो फोर इज इक्वल टू फोर, ये ट्रू हो गया। सो एक्स इज इक्वल टू थ्री इज अवर सोल्यूशन, ये एक्सट्रीनियस सोल्यूशन नहीं है क्योंकि इसने सेटिस्फाइड कर दिया गिवन इक्वेशन को। नाउ अब हम चेक करते हैं, पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू वन ओवर थ्री इन इक्वेशन वन, तो जहां पर हमारे पास एक्स आ रहा है वहां पर हम वन ओवर थ्री पुट करेंगे, थ्री इंटू एक्स की जगह वन ओवर थ्री आ गया, माइनस फाइव इज इक्वल टू फोर, थ्री थ्री से कैंसल आउट हो गया, वन माइनस फाइव इज इक्वल टू फोर, तो वन माइनस फाइव माइनस फोर होता है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फोर के इक्वल आती है, माइनस फोर का एब्सोल्यूट फोर हो गया, तो ये भी ट्रू आ गया। सो हमारा सोल्यूशन सेट आएगा जो दोनों हमारे पास एक्स की वैल्यूज आई हुई हैं, एक्स इज इक्वल टू थ्री और वन ओवर थ्री, क्योंकि इसमें दोनों हमारी वैल्यूज ने जो गिवन ओरिजिनल इक्वेशन थी उसको सेटिस्फाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन एब्सोल्यूट के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और कुछ नंबर एड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एब्सोल्यूट को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट मीन के बाकी टर्म्स को हम अलग करेंगे इससे, 11 माइनस का 4 उस तरफ जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो 1 ओवर 2 इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 15, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 2, क्योंकि डिवाइड हो रहा है इधर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 30 आ गया। अब बिल्कुल सिमिलर जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया है, यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन बनती हैं, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 30 और माइनस इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 30, तो यहाँ पर हम x को आइसोलेट करने के लिए 2 को इक्वल के उस साइड पर शिफ्ट करेंगे, 30 माइनस 2 हो जाएगा विच इज 28, तो क्योंकि x 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 28 ओवर 3 आ जाएगी। यहाँ पर क्योंकि बाहर माइनस मौजूद है तो माइनस 3x, ये वाला प्लस भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा इज इक्वल टू 30। अब हमने क्योंकि x को आइसोलेट करना है तो माइनस 2 उस तरफ जाके प्लस 2 हो जाएगा और माइनस 3x इज इक्वल टू 32, और क्योंकि माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो 32 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस का साइन वैसा ही रहेगा। अब ये दो सोल्यूशन आया है, इसको हमने चेक करना है ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके कि हमारा जो सोल्यूशन है वो ट्रू है या फॉल्स है, तो हम प्लग इन करते हैं एक्स की बोथ दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन, का नाम दे देते हैं इसको, तो पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले 28 ओवर 3 पुट करते हैं इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन बिकम्स जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर हम 28/3 पुट कर देते हैं, प्लस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 4 इज इक्वल टू 11, 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, 1 ओवर 2 प्लस 2 30 बन गया, माइनस 4 इज इक्वल टू 11, 30 की एब्सोल्यूट वैल्यू 30 हो रही है और 1 ओवर 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 4 इज इक्वल टू 11, तो 15 2 टाइम्स 30, तो 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11 हो गया, 11 इज इक्वल टू 11 क्योंकि 15 माइनस 4 11 होता है, तो ये ट्रू हो गया। सो एक्स इज इक्वल टू 28/3 इज सोल्यूशन, ये सोल्यूशन का हिस्सा है हमारे का। आप नाउ चेक करते हैं दूसरी वैल्यू, नाउ पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस 32/3 इन इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन बिकम्स 1/2 एज इट इज आया, 3x की जगह माइनस 32/3 प्लस 2
माइनस फोर इज इक्वल टू 11, तो यहां पर 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया 1 ओवर 2 इनटू माइनस 32 प्लस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 11। माइनस 32 प्लस 2 माइनस 30 बनता है और माइनस 2 इज इक्वल टू 11। माइनस 30 की एब्सोल्यूट वैल्यू 30 निकलती है, माइनस 4 इज इक्वल टू 11, तो 15 2 टाइम्स 30, 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11, तो 11 इज इक्वल टू 11, तो ये भी ट्रू हो गया। सो हमारा जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो बोथ दीज वैल्यूज ऑफ एक्स जो हमने फाइंड आउट की थी अर्लियर, एक एक्स की वैल्यू थी 28/3 और एक एक्स की वैल्यू आई -32/3। तो 28/3 और -32/3 ये दो वैल्यूज हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होंगी।